मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ले ओवर हो रहा है जो ये। और ये हमें किंग साइज बेड मिला है। फ्रॉम वेयर वी कैन गो टू दुबई मॉल। ओके, टुडे आवर कंपनी मेक ए स्पेशल गिफ्टिंग गिवअवे फॉर मी। ये बहनों को मैं दिखाऊंगी, दिस इज वर्साचे। पीपल आर इन, ये देखो अंदर ये मैं देखने के लिए। ये जो स्टार्स वगैरह बने हुए हैं, दिस इज बुर्ज खलीफा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल मून एंड सकीना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी, मेरी फ़्लाइट थी लाहौर टू शारजा और ये मैं जा रही थी, लेकिन शारजा पहुँचते ही हमारी फ़्लाइट टेक्निकल हो गई और हम लोग वहाँ एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे क्योंकि हमें पता नहीं था हमें अब जाना है वापस या क्या करना है। बट हमें वहाँ पर मिल गया ले ओवर। जी हाँ, तो मेरा 3 दिन का ले ओवर हुआ है शारजा में, तो ये सारा व्लॉग उसी के हवाले से है, आपने लोगों ने लाजमी देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। चलें जी, अब हम लोग नाश्ता करने लगे थे क्योंकि 9 आवर्स हमें एयरपोर्ट पे रखा और बहुत हम लोग वहाँ थक चुके थे। इतनी देर से हम जागे हुए थे फ़्लाइट करने के बाद, और फिर उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट कराया हमारी कंपनी ने, ताकि हम ब्रेकफास्ट करें, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, क्योंकि अभी भी डिसाइड नहीं था कि हमने वापस जाना है क्या करना है। बट नाश्ता जैसे हमने ख़त्म किया, उसके बाद हमें पता चला कि अब हम एयरपोर्ट से निकलेंगे और वापस होटल जा रहे हैं, बिकॉज एयरक्राफ्ट अभी ठीक नहीं हो सकता। तो फाइनली हमें यहाँ पे लेओवर मिलेगा और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल लेओवर था। सो वी आर वेटिंग हियर एट शारजा एयरपोर्ट और हम वेट कर रहे हैं होटल जाने के लिए, और पर्सर भी मेरे सामने, थकावट से बुरा हाल, सोए नहीं है हम 2 दिन से। ये भी क्रू बैठा है, 2 दिन ही हो गए पर्सर। और हमें बता ही नहीं रहे हमने क्या करना है, कह रहे भी हम इंजॉय कर रहे हैं। कैप्टन एंड एफओ आगे जाके जा रहे हैं और अब हम होटल जा रहे हैं। वेलकम टू शारजा एयरपोर्ट, नाउ वी आर गोइंग टू होटल। इधर हमारी इमिग्रेशन क्लियर होगी, पासपोर्ट चेक होंगे और फिर हम जाएंगे होटल, उसके बाद देखते हैं कहाँ घूमते हैं। फाइनली हम लोग शारजा एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं होटल में, हमारे स्टे है और लेट्स सी क्या होता है। देर से वेट कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी आज हमें पिक करने के लिए कि नहीं यार, और इतनी धूप है, इतनी धूप है यहाँ पे, इतनी गर्मी हो रही है। ये जी हम शारजा के एयरपोर्ट पर हैं और वी आर वेटिंग फॉर आवर कार जो हमें पिक करेगी और होटल तक लेके जाएगी, और फिर वहाँ से हम जाएंगे दुबई। We are waiting for our check-ins. अब ये देखते हैं क्या करते हैं। चले जी, हमें हमारा रूम मिल गया है यहाँ पे, थैंक यू पास हो गए। तो ये रूम यहाँ पे है जी कबर्ड, और ये हमें किंग साइज बेड मिला है दोनों को शेयर करने के लिए लिटरली। बट इज ओके जी, यहाँ पे बाहर का सीन देखो शारजा का, ओह माय गॉड, इट्स टू गुड। गो टू द वॉशरूम। ओके, दिस इज द वॉशरूम हियर। ओके,
ठीक है, फिलहाल फ्रेश फ्रेश हो जाएं क्योंकि निकलना है, थोड़ा टाइम है, मैं स्लिप को ना वेस्ट नहीं करना चाहता। सो लेट्स गो। वी आर हेयर इन शारजा एट क्रिस्टल होटल, और यहाँ पर आने का सफर, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ले ओवर हो रहा है जो ये। और यहाँ पे आने का जो सीन है वो ये हुआ था कि हम लोगों ने ये शारजा करनी थी, हमारा कोई ले ओवर का प्लान नहीं था, नथिंग वॉज प्लान, नथिंग वॉज लाइक के सोचा हुआ था होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग फ्लाइट लेकर आए आराम से, जब हमारी शारजा लैंडिंग हुई ना ऑलमोस्ट पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग, हम लोग वहाँ पर 1:30-1:40 रात के लैंड किए हैं। और जब लैंडिंग हुआ ना तो लैंडिंग स्मूथ नहीं थी, बड़े झटके लगे, और फिर मतलब अजीब एबनॉर्मल लैंडिंग थी, जो एविएशन की लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि दैट वाज नॉट यूजुअल, अनयूजुअल बिहेवियर था एयरक्राफ्ट के लैंडिंग करते हुए। तो बाद में पता चला कि लैंडिंग करते हुए ब्रेक्स ही नहीं लग रही थी, तो ब्रेक्स जो है एयरक्राफ्ट की फेल हो चुकी थी, और बड़ी मुश्किल से कैप्टन ने हमारी लैंडिंग की है, तो अब ये एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता। लेकिन हमारी कंपनी ने पूरा जोर लगाया कि इनको भेजना है, भेजना है, भेजना है। हम लोग वहां तकरीबन 6 to 7 hours हमने एयरपोर्ट पे वेट किया है कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इंजीनियर्स वर वर्किंग, बट वो नहीं ठीक हुआ। तो उन्होंने हमें कहा कि आप पहले हमें तो एयरक्राफ्ट में रखा, फिर एयरक्राफ्ट से निकाल के हम लोगों को एयरपोर्ट पर भेज दिया कि कंपनी की तरफ से खाना, बिकॉज हम रात 8 बजे के आए हुए थे, तो हमें खाना दिया उन्होंने, ब्रेकफास्ट कर लें जी, सुबह ब्रेकफास्ट किया हमने, फिर भी वहां पे हमें 2 घंटे बिठाए रखा। और देन जब पता फाइनल चल गया कि नहीं ठीक हो सकता, फिर उन्होंने कहा चलो जी अब आपको होटल भेज रहे हैं, और आपका 12 आवर्स दिया, जितना भी आपको रेस्ट है वो आपको रेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, और अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से फ्रेश होकर रेडी होकर फटाफट निकलूँ, कहीं घूमने फिरने जाएं। ज्यादा जगह नहीं जा सकते क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, बट फिर भी कुछ ना कुछ मैं करूं, तो लेट्स गो। लेकिन मैं बहुत थकी हूँ बिकॉज मैं कल सुबह 10 बजे की उठी हूँ और अब 1 बजने वाला, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे 2 दिन हो गए हैं, लाइक 10 से 10, हाँ 12-24 घंटे मुझे हो चुके हैं जागे हुए, 1 दिन हो गया। और अब मैंने आज पूरा दिन जागना है बिकॉज मैं दुबई सोने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे शारजा से मैंने दुबई जाना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो टू सी बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, एंड देखते हैं और क्या क्या कुछ हम देख सकते हैं। उसके बाद होटल वापस भी आना है और बहुत कुछ करने को, तो चलो जी रेडी होते हैं इससे पहले कि टाइम खत्म हो। लेट्स स्टार्ट। सो व्यूअर्स, मैं चुके हैं यहाँ पर रेडी और हम लोग जा रहे हैं दुबई, ठीक है जी। और दिस इज माय मेकअप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। और टाइम बिल्कुल भी नहीं था फटाफट, जैसी मतलब मैं आई हूँ फ्रेश हुई और मैं फटाफट तैयार हूँ क्योंकि मुझे जाना है और लेट नहीं हो रहा क्योंकि वापस आना है, फिर मैंने अपने मामू के घर जाना है, तो टाइम नहीं है, फिर मैं आके फ्लाइट पर भी जाना है। तो लेट्स गो, जल्दी से चलते देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंड दिस इज माई आउटफिट, निकल पड़े हैं बाहर कैब ढूंढने। समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं, कैब कैसे लेनी है, कैसे देखनी है, कुछ नहीं पता। टैक्सी क्या होता है, इतनी धूप है और हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं टैक्सी का। Not working, you have maybe cash? No cash. हमारे मेट्रो जाने के लिए
here's my crew. मेट्रो स्टेशन आ गया, जैसे लाहौर में है ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन वैसे है ये मेट्रो स्टेशन। यहाँ गाड़ी नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से पीछे से आके हमें किसी ने गाइड किया है और हमने यहाँ से निकाल रही है अपनी टिकट्स। तीन निकल आई चलो ले रही हैं हमारी टिकट्स। वी हैव टू गो चेकिंग प्लेटफॉर्म 2 एंड देन गो टू यूनियन एंड देन चेंज द प्लेटफॉर्म 2 प्लेटफॉर्म 2 ओके القيادة الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. The next station is Al Qiyada. चलो जी हम लोग पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट दुबई मॉल में। थक गए यार हम, अभी से थक गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग हमारे साथ। दुबई मॉल आई नहीं था, चल चल के थक गए हैं। दिस इज नाइस। Yes. Let me show you the just one see what they have special. Check kya diya tha come. You know today our company make a special gifting here for women. If you check one I give you one more Arabic flower for women also as well as a gift free today. This one and the one more you will get I give you another Hyderabad quality this one also as a gift free today. This one if you check one you will get a perfect. Get one buy one get two free, get free, get two free. Yes made in UAE. What is the price? We're selling every day one piece. Original cost before 250, the real price. 250. But today our company make a discount. All pieces just a 200. 200 means 16,000. It's too much. Lahore. From Lahore? Yes. And I respect for you from Lahore. So I give you one gift from myself. It's an extra complimentary for myself. Nice. Come. Nice. समझने की कोशिश की है वाटरफॉल कहाँ पे है और अब हम वहाँ जाएंगे और जाके वहाँ पिक्चर्स क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बुर्ज खलीफा। अपनी बहनों को मैं दिखाऊंगी, दिस इज वर्सेज़, वो है फेंडी, ये फेंडी है बर्गुची। फाइनली हमें मिल चुका है जहाँ हमने जाना था, दुबई मॉल के सबसे फेमस चीज थी वाटरफॉल जी, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था हमें। ये वो जगह है और ये सारा मॉल दुबई का मॉल और बेसिक जो है ना इसी जगह फेमस थी इसके हम लोगों को आना था क्योंकि इसमें मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोज ब्लॉग्स पिक्चर्स वगैरह देखी स्पेशल इस कॉम्प्लेन पे यहाँ पर बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा वाला प्यारा लग रहा है। इसकी लाइटिंग है, ये जो स्टार्स वगैरह बने हुए हैं। मैंने एक्वेरियम का बोर्ड नज़र आया, अब हम उसको ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, अब वो हमें मिल जाए सही बस। चल चल के तो वैसे ही हालतें बुरी हुई हैं। अंदर जाने की बट अभी टाइम नहीं है मेरे पास और ना ही इतने पैसे हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है और मैं यहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा इशू है तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हमने बहुत घूमा, बहुत इन्जॉय किया,
लेकिन अब मैं तैयार होने लगी हूँ क्योंकि मैंने जाना है अपने मामू के घर। तो या अब मैं तैयार होती हूँ, हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज थकी भी बहुत हो रहा कि फ्लाइट भी करनी, बट फिर भी मामू से मिलना है, नानों से मिलना है, जाना है। सो व्यूवर्स, मैं हो चुकी हूँ दोबारा से रेडी, मतलब रेडी तो मैं थी, मैं थोड़ा सा जो टचअप करना था वो मैंने कर लिया बिकॉज मैं जो आ रही हूँ अपने मामू की तरफ। पहले मामू मुझे पिक करने आ रहे थे बट हुआ ये कि पिक नहीं कर सके वो, क्योंकि वो खुद ट्रैफिक में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए। इस टाइम पे शारजा में बहुत ज्यादा, दुबई में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है क्योंकि ऑफिस से लोगों को ऑफ हो रहा होता है तो वो अपने अपने घरों को जा रहे होते हैं, इसलिए तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जाती हूँ, मैंने टैक्सी करनी है, फिर जो मुझे लोकेशन आई है फिर मैं उनके घर पहुंचूंगी और बाकी देखते हैं। फिर उधर जाके मिलते हैं नानों को, जो कि मुझे सबसे 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 ज्यादा इंतजार है बिकॉज नानों जान हमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत दुआएं करती हैं और बहुत प्यारी सी हैं और काफी टाइम होंगे उनको मिले हुए। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि उस टाइम में मुझे वापस भी आना है, फिर फ्लाइट भी ऑपरेट करनी है। तो लेट्स गो। इतनी नींद आ रही है, मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, बट हमें अभी जाना है, रेडी होना है, फ्लाइट के लिए निकलना है और मैं कल घर वापस सुबह जाके ही सोऊंगी। खैर, मजा मुझे बहुत आया और मेरा अच्छा लगा उन सबसे मिलकर। तो अब चलते हैं, ठीक है, सब कुछ वहीं बिखरा पड़ा है जैसे मैं छोड़ के गई थी। खैर, अब मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे जूड़ा बनाना है और अपने कपड़े चेंज करने हैं और रेडी होना है, तो लेट्स गो। फिर से हम रेडी, मतलब मेरे ब्लॉग में आज यही था, सुबह से आई हूँ, रेडी होना है, बाहर जाना है, वापस आई हूँ, रेडी होना है, मामू के घर जाना है, वापस आई हूँ, रेडी होना है, फ्लाइट पे जाना है, तो आज यही था। लेकिन खैर, ये फर्स्ट मेरा इंटरनेशनल लेओवर बहुत अच्छा गुजरा, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने फर्स्ट टाइम दुबई मॉल विजिट किया, बुर्ज खलीफा देखा, देन मैं बहुत अरसे बाद अपने रिश्तेदारों, अपने रिलेटिव से मिली, अपनी नानों से, अपने मामू से, मामी से, उनके बच्चों से, जब वो बहुत छोटे थे मैं तब मिली थी, अब बहुत बड़े हो गए हैं वो, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें सेहत की जिंदगी लंबी करे और उनके नसीब अच्छे करे। तो अब जो है वापस जाने का टाइम आया, इसलिए बहुत छोटा सा था, इतना कुछ नहीं कर पाई मैं, लेकिन मैंने फिर भी पूरी कोशिश की है कि मैं कुछ ना कुछ करूं। मैं सोई नहीं हूं, 2 दिन हो गए हैं मुझे और मेरा सर लिटरली फट रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर पर कुछ टंटना बजा रहा है मेरे सर इस वक्त। खैर, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, आपको करना पड़ता है, यू आर अ कैबिन क्रू, कैबिन क्रू की लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है, तो हर वक्त तैयारी रखनी चाहिए आप लोगों को, ये मैं आप लोगों को पहले से एडवाइस दे रही हूँ। तो चलें जी, मैं रेडी होती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, तो लेट्स सी क्या किधर है और क्या हो रहा है, तो लेट्स गो।